नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुप्रभात और मैं करिश्मा आपके साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से जो है, घर में विस्फोट हुआ है जिसमें चार लोगों की मौत हो गई है। तो बताते चले कि भागलपुर में देर रात कोतवाली थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर एक मकान में जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि 12 घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। भागलपुर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार ने घटना के प्राथमिक कारणों में बारूद और अवैध पटाखा व देशी बम बनाने की बात कही है। वही स्थानीय लोगों ने कहा कि भागलपुर में आए दिन बम विस्फोट की घटना बढ़ते ही जा रही है। लोगों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि काफी दूर तक आवाज सुनाई दी। विस्फोट में 3 मंजिला मकान जमीन दोज हो गया है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है जबकि कई घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो खबर भागलपुर से, जहां देर रात कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक मकान में जबरदस्त धमाका हुआ है जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर 3 मंजिला मकान जमीन दोज हो गया विस्फोट के वजह से। हालांकि पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। भागलपुर में एक घर में विस्फोट हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 12 लोग घायल बताया जा रहा है, कई की स्थिति गंभीर भी बताई जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर भागलपुर की, जहां भागलपुर में एक घर में विस्फोट हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, 12 लोग घायल हो गए जिसमें कई की स्थिति गंभीर बताया जा रही है। 3 मंजिला मकान विस्फोट की वजह से जमीन दोज हो गया है। बनाने के दौरान ये घटना हुई है और जिसमें सर कितनी मौत सर हुई है? अभी 2 की पुष्टि हो गई है लेकिन संख्या अभी बढ़ेगी। दो अस्पताल में डेड बॉडी चली गई है और भी कुछ डेड बॉडी जो है। इंजर्ड कितने हैं सर? इंजर्ड 7 हैं। तो भागलपुर से खबर, जहां देर रात एक घर में विस्फोट हुआ जिसमें 4 लोगों के धमाके से मौत हो गई है और 12 लोग घायल बताया जा रहा है जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो भागलपुर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार ने घटना के प्राथमिक कारणों में बारूद और अवैध पटाखा व देशी बम बनाने की बात कही है। और बड़ी खबर भागलपुर से, जहां देर रात कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक मकान में जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है बताया जा रहा है। हालांकि बताया चले कि इससे पहले भी धमाका हुआ था भागलपुर में और एक बार फिर से कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें 12 लोग घायल हो गए। हालांकि कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि बात करें तो भागलपुर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार भी मामले की जांच में जुटे हैं और ये कहा गया है कि प्राथमिक कारणों में बारूद और अवैध पटाखा व देशी बम बनाने की भागलपुर के रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार ने यह बात कही है। तो विस्फोट में 3 मंजिला मकान जमीन दोज हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां इलाज जारी है। तो भागलपुर से खबर, जहां घर में बम विस्फोट हुआ। बम विस्फोट के वजह से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 12 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं जिसमें कई लोगों की स्थिति गंभीर है। हालांकि बता चले कि इससे पहले भी भागलपुर में विस्फोट हुआ था
और एक बार फिर से भागलपुर में बम विस्फोट हुआ, जिसके वजह से हालांकि इससे पहले भी विस्फोट हुआ था भागलपुर में और देर रात कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक मकान में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 12 घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। वहीं भागलपुर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार ने घटना के प्राथमिक कारणों में बारूद और अवैध पटाखा व देशी बम बनाने की बात कही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि भागलपुर में आए दिन बम विस्फोट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वहीं लोगों ने कहा कि धमाका इतना तेज था कि काफी दूर तक आवाज सुनाई दी और विस्फोट में 3 मंजिला मकान जमीन दोज हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी घायलों का इलाज जारी है। बनाने के दौरान ये घटना हुई है और जिसमें सर कितनी मौत सर हुई? अभी 2 की पुष्टि हो गई है, लेकिन संख्या अभी बढ़ेगी। दो अस्पताल में डेड बॉडी चली गई है और भी कुछ डेड बॉडी जो है। इंजर्ड कितने हैं सर? इंजर्ड 7 हैं।